आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रश्न। यहाँ पे देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऐसा परिस्थिति होगा जो कि बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का जो गुण है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, सहयोगी होगा। पहला है आपका सीखने हेतु सीमित अवसर हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सृजनात्मकता होती क्या है। देखिए, यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब पहले समझ लेते हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया उत्पाद करना। ठीक है, कुछ नया उत्पाद करना। ठीक है, मतलब बच्चा कुछ नया विकसित करे, कुछ नया बनाए। ठीक है, उसे नए नए अवसर प्रदान किए जाए कि वह कुछ नया का निर्माण कर सके। हम ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं, कुछ नया निर्माण करना। ठीक है, जो बच्चा अपने मानसिक हेतु यहाँ पर निर्माण करता है। अब देखिए, आपसे कह रहा है सीखने हेतु सीमित अवसर हो, तो भाई जब आप उसे सीमित अवसर दोगे तो वह कैसे कुछ नया सीख पाएगा ना। आपने क्या करा, बच्चे को कुछ और सीखना है, आपने तो सीमित कर दिया। कभी भी बच्चे को इसको सीखने को सीमित नहीं करना है या उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। ये क्या मतलब हुआ, हमने क्या किया, हमने बच्चे से कह दिया भाई आप इसका उत्तर याद कर लीजिए। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो बच्चे का जो दूसरा ऑप्शन का ऑप्शन है उसमें क्या होगा, उसमें बच्चे की समझ विकसित नहीं हो पाएगी ना। समझ बच्चे की क्या होगी, विकसित नहीं होगी, क्योंकि वह बस उसे याद कर लेगा। तो भाई जब याद कर लेगा तो उसे रट लेगा ना, तो यह तो अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चे के अंदर तो सृजनात्मकता का एक भी गुण नहीं आ पाएगा, तो यह भी आपका गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा आपका दिया हुआ है किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। आपने क्या किया, बच्चे के सामने समस्या आई और आपने खुद ही उसको समाधान बता दिया। ठीक है, कि बेटा अगर ये दिक्कत आई है तो ये आप काम कर लो। समाधान उससे मत बताइए, उसे समाधान ढूंढने दीजिए। जब आप उसे समाधान ढूंढने देंगे तो क्या होगा, तो उसका अपने आप ही मानसिक विकास होगा ना, उसके अंदर समझ खुद ब खुद आएगी। तो इसीलिए यह उत्तर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने जब उसे समस्या का समाधान बता दिया तो आपने बच्चे को बैसाखी पकड़ा दी कहीं ना कहीं। ठीक है, बैसाखी पकड़ा दी, इसे बैसाखी पकड़ाना ही कहेंगे। ठीक है, पकड़ा दिया मतलब आपने उसके अंदर विकास होने नहीं दिया, विकास होने नहीं दिया, उसे आपने रोक दिया कि बेटा ऐसा ऐसा होगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या आपका, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। हाँ, यह उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बच्चा स्वयं करके सीख रहा है ना। चौथा का उत्तर हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे बच्चा खुद से सीख रहा है। और देखिए, सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होगा, जब हम लोग किसी बालक की वह क्षमता होती है जिसमें वह कुछ ऐसा पैदा कर सकता है। सृजनात्मकता क्या क्या होगा यहाँ पे, कि बालक की जो क्षमता होगी, ठीक है, ऐसी क्षमता जिसमें वह कुछ ऐसा पैदा कर सकता है, ठीक है, जो पहले से ज्ञात ना हो, जो पहले से ज्ञात ना हो। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया कुछ नया निर्माण करना। जब भाई वह कुछ नया नया निर्माण करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में उसको पहले से ज्ञात नहीं था। तो क्या करेंगे, जब हम बच्चे को अधिक अवसर देंगे, नए नए अवसर देंगे, अधिक से अधिक अवसर देंगे, तभी तो भाई यह चीज़ें सीख पाएगा। तो इस हिसाब से आपको जो चौथा उत्तर है वह सही हो जाएगा, जबकि जो ऊपर के आपको तीन उत्तर दिए गए थे वो आपके उचित नहीं होंगे। ठीक है, सो सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।